नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं रोजाना लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें आपका सिलेबस करंट अफेयर या फिर जनरल स्टडीज है, तो इसमें आप क्वेश्चन को यूज कर सकते हैं आप प्रैक्टिस के लिए और चेक कर सकते हैं कि आपका प्रिपरेशन का क्या लेवल चल रहा है। और फिर वीडियो के एंड में अपना स्कोर जरूर मेंशन करिएगा। वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड में जरूर शेयर करिए। अगर आप पहली बार इस चैनल पर वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा जहां आप मुझे सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ और अदर वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। विद रेफरेंस टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर आपसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जा रहा है और यहाँ आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है और आपसे बोला जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको बताना है। तो स्टेटमेंट वन में आपसे बोला जा रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बियर्ड द रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट किसी भी रिटायर इलेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट नहीं कर सकता है किसी भी पोस्ट पे, ऐसा बोला जा रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। तो आपको ये बताना है इसके अंदर ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है। और दूसरा स्टेटमेंट आपके लिए ये है कि इलेक्शन कमीशन कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी किसी भी इलेक्शन कमिश्नर को आप रिमूव नहीं कर सकते हो जब तक कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसके लिए कोई रिकमेंडेशन ना दे दे, ठीक है। यानी कि आप ये बोल सकते हो जैसे हमारी कंट्री है जिसके कंट्री के अंदर चीफ इलेक्शन ऑफिसर है, ठीक है, और चीफ इलेक्शन ऑफिसर के अंदर दो और एक इलेक्शन ऑफिसर होते हैं और एक और इलेक्शन ऑफिसर होते हैं, तो इन दोनों इलेक्शन ऑफिसर कह लीजिए या फिर इलेक्शन कमिश्नर कह लीजिए, एक ही बात है। तो जो भी इलेक्शन कमिश्नर है हमारी कंट्री के अंदर दो, जो कि चीफ इलेक्शन ऑफिसर के अंदर में इसके अंडर में जो आता है, हाँ, तो यानी कि इन दोनों को इसे और इसे तब तक रिमूव नहीं कर सकते जब तक इनका जो हेड है ये रिकमेंडेशन ना दे दे, यानी कि बिना रिकमेंडेशन के इनको रिमूव नहीं किया जा सकता, ऐसा आपको बोला जा रहा है इस क्वेश्चन के सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। अब आपको ये बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ 1 और 2 यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग नाइदर 1 नॉर 2, इट मीन्स दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी है, यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट है सिर्फ वो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। जान लेते हैं अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में डिटेल में। हमारी कंट्री में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि हमारी कंट्री के अंदर इसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी मेंशन है और इसे आप ये बोल सकते हो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है और ये इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारी कंट्री के अंदर कि जितने भी यूनियन या स्टेट के इलेक्शन प्रोसीजर है उन सब कामों को ये इंस्टीट्यूशन कंडक्ट करती है, जिसमें मेनली लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और साथ के साथ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं वो कंडक्ट करती है चीफ, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसे कंडक्ट करता है, जैसे आर्टिकल 324 में मेंशन है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। तो ये तो इसके बारे में हो गया। बाकी जैसे आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोला गया था कि भी एक बार अगर कोई इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हो जाता है तो रिटायर होने के बाद उसे किसी भी पोस्ट पे रिक्यूप नहीं कर सकते, ये बात बिल्कुल गलत है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है ये बिल्कुल गलत है। बल्कि आप ये बोल सकते हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं मेंशन है कि इलेक्शन कमिश्नर की क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ठीक है, स्पेसिफाइड पीरियड कितने टाइम के लिए उसे अपॉइंट करना है इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा ये टोटली गलत है। अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, तो सेकंड स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है आपसे कि भी जो इलेक्शन कमिश्नर है उसे तब तक रिमूव नहीं किया जा सकता जब तक कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसी के लिए रिकमेंडेशन ना दे, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन के आधार पर ही इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि जो करेक्ट स्टेटमेंट है आपका सेकंड है, तो ऑप्शन बी जो हो गया आपके लिए ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है इरूला, मुदुका एंड कुरुम्बा ट्राइब्स बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और रीजन, यानी कि ये जो ट्राइब्स आपको गिवन है इरूला, मुंदुका और ये कुरुम्बा, ये ट्राइब कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं हमें ये बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए बताइए। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग केरला इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग अंडमान और निकोबार इसका करेक्ट आंसर है, और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या है, यानी कि ये तीनों ट्राइब्स किस स्टेट से बिलोंग करती है ये आपको क्वेश्चन में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। ए का मतलब ये है कि ये तीनों ही जो ट्राइब्स है ये बिलोंग करती है केरला स्टेट के अंदर, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर जो सबसे नीचे यानी कि वेस्टर्न घाट में सबसे नीचे जो स्टेट आता है केरला, ये केरला से बिलोंग करती है ये तीनों आप ये कह सकते हो तीनों के तीनों ट्राइब्स। तो जैसे ये फर्स्ट ट्राइब है आपके पास यानी कि कुरुम्बा ट्राइब। तो कुरुम्बा ट्राइब जो है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इस ट्राइब के जो लोग हैं वो मेनली जो काम करते हैं वो मेनली जो काम करते हैं, जो उनका ऑक्यूपेशन है अगर हम बोले तो वो फ्रॉगिंग या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन इनका मेन काम है इस ट्राइब का। और इस ट्राइब को दूसरे नाम माला पुलायांस नाम से भी जाना जा सकता है। ये कुछ उसके और भी नाम है इस ट्राइब को दूसरे नाम से जिससे इसे पुकारा जाता है, ठीक है। और मेनली जो ये ट्राइब है ये बास्केट और जो मैट्स है इसके लिए ये बहुत अच्छे स्किल्ड लेबर होते हैं और इस काम को बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। अगर हम बात करें इरूला ट्राइब की तो जिसे इरूलर भी या फिर इरूला या इरूलर ट्राइब भी बोला जाता है। इनका भी ऑक्यूपेशन की अगर हम बात करें तो ये सब एग्रीकल्चर बेस्ड है यानी कि एग्रीकल्चर खेती का काम करते हैं। रागी धाल ये सब इनके कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं यानी कि ऐसी चीजें जिनकी ये खेती करते हैं। और बात करें इनके वर्शिप वगैरह की तो ये लोग टाइगर की ये पूजा करते हैं इस अगर हम बात करें इरूला ट्राइब की। और लास्ट में एक और जो ट्राइब आपसे पूछा गया था मुदुगर्स या फिर मुदुका, ये जो ट्राइब है ये भी केरला से ही बिलोंग करती है। और ये ट्राइब जो है ये फूड गैदरर है या फिर आप कह सकते हैं हंटर है यानी कि ये ट्राइब जंगल में ही रहती है और जानवरों को मारना और फूड गैदर करना मेनली इनका काम है। तो ये तीनों ट्राइब की अगर हम बात करें ये तीनों ट्राइब केरला से बिलोंग करती है। अब आप ये सोच रहे होंगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है आपके लिए क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपके लिए इसलिए पूछा जा सकता है अगर आप किसी भी पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और किसी एजुकेशन सिस्टम या फिर आपके आईटी सेक्टर से रिलेटेड अगर आपके लिए क्वेश्चन बनाना हो तो बहुत आसानी से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। क्योंकि केरला स्टेट ने अब रिसेंटली एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम नमत बसाई रखा गया है। और इस प्रोग्राम के तहत उन्होंने ये किया है कि जितने भी ट्राइबल्स उनके यहाँ पर हैं जैसे तीन ट्राइबल के जो नाम आपको दिए गए हैं कि कुरुम्बा, इरूला और मुदुका, ये तीनों ट्राइब को एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही इनके मदर टंग में। यानी कि आप ये बोल सकते हो जो ट्राइबल लैंग्वेज है ट्राइबल लैंग्वेज में ही इनके मदर टंग में इन बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। और इनके लिए स्पेशली एक यूट्यूब चैनल भी क्रिएट किया गया है, ठीक है, ताकि इन बच्चों को इनकी भाषा में एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द इंडियन बैसन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि इंडियन बेसिन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि कुछ स्टेटमेंट दे दिए गए हैं आपको। अब आपसे ये बोला जा रहा है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है और ये थर्ड स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट इट इज एंडेमिक टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यानी कि ये जो स्पीसीज है ये बिलोंग करती है नॉर्थ ईस्ट पार्ट हमारी कंट्री के। दूसरे स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट्स आईयूसीएन स्टेटस इज वनरेबल, यानी कि वनरेबल कैटेगरी के अंदर इसे रखा गया है आईयूसीएन की लिस्ट के अंदर। आईयूसीएन एक इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल लेवल पर जो कि जितनी भी स्पीसीज वर्ल्ड वाइड है उनके प्रोटेक्शन का काम करती है। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज द टॉलेस्ट स्पीसीज ऑफ वाइल्ड कैट, यानी कि जंगल में जो मवेशी होती हैं उनका सबसे टॉलेस्ट कैटेगरी का ये स्पीसीज है जिसका नाम है इंडियन बेसन। इसे एक और नाम से भी बोला जाता है गौर, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है। तो स्टेटमेंट को सही स्टेटमेंट को आपको चूज करके बताना है ये आंसर। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। और अगर हम बात करें ऑप्शन डी की तो इसमें ये बोला जा रहा है दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है चलिए बताइए। तो सबसे पहले देख लेते हैं जिस एनिमल की बात की जा रही है इंडियन बैसन की। तो इंडियन बैसन की जो पिक्चर है आप देख सकते हैं बिल्कुल राइट साइड में ये पिक्चर है। ये कुछ जो डायग्राम आपको ये पिक्चर दिख रहा है ये स्पीसीज की है। और इस स्पीसीज की अगर हम लोकेशन की बात करके कहाँ ये स्पीसीज पाया जाता है तो हमारी कंट्री के साउथ और साउथ ईस्ट एशिया वाला जो पोर्शन है, ठीक है, वहां पर ये स्पीसीज पाया जाता है। जैसे कि आपके लिए स्टेटमेंट 1 में बोला गया था कि ये नॉर्थ ईस्ट में हमारी कंट्री में पाया जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट से इसका कोई भी लेना देना नहीं है बल्कि हमारी कंट्री में जो साउदर्न स्टेट है, ठीक है, साउदर्न स्टेट है वहां पर यह स्पीसीज पाई जाती है, ठीक है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि नगरहोल, बांदीपुर, मनसिंगगुड़ी नेशनल पार्क और बीआर हिल्स ये कुछ एरिया है जहां पे ये स्पीसीज पाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ जो फर्स्ट स्टेटमेंट था आपका वो स्टेटमेंट नॉट करेक्ट हो गया यानी गलत हो गया। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की जिसके अंदर इसे ये बोला गया था इस स्पीसीज को वनरेबल कैटेगरी के अंदर डाला गया है आईयूसीएन की रेड लिस्ट के अंदर। बिल्कुल सही बात है, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद हम बात करें कि हमारे यहाँ पे क्या प्रोविजन है इस जानवर को लेकर के, तो आप ये बोल सकते हो कि 1972 के अंदर हमारी कंट्री में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था। उस एक्ट के तहत इसे शेड्यूल 1 के अंदर इसे डाला गया है इस स्पीसीज को। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला गया था ये टॉलेस्ट स्पीसीज है अगर हम किसी बात करें वाइल्ड कैटल की। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है कि इंडिया यानी कि हमारी कंट्री के अंदर ये जो सबसे बड़े जानवर जो अगर हम मवेशी की कैटेगरी के अंदर इसे रखें यानी कि आप बोल सकते हो वाइल्ड कैटल की जो कैटेगरी में अगर हम इसे रखें तो ये सबसे टॉलेस्ट काइंड ऑफ स्पीसीज है। तो करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट दोनों ही आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है विद रेफरेंस टू फ्लोरोनोइड मॉलिक्यूल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो टर्म है आपके लिए इस क्वेश्चन के अंदर, जैसे कि आप क्वेश्चन के अंदर देख रहे हैं फ्लेवोनॉइड मॉलिक्यूल, तो फ्लेवोनॉइड मॉलिक्यूल के बारे में आपसे बोला जा रहा है कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, ये और ये सेकंड स्टेटमेंट है। अब आपको ये बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट दे कैन बी ड्राइव फ्रॉम द प्लांट्स, यानी कि जो मॉलिक्यूल है ये कहां से मिलता है, ये प्लांट से हमें मिलता है, ऐसा बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है दे आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, यानी कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इस प्रोडक्ट, इस मॉलिक्यूल को, यानी कि फ्लेवोनॉइड मॉलिक्यूल को यूज किया जाता है। तो ये दो स्टेटमेंट हो गए आपके पास। अब आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है सही स्टेटमेंट को चूज करके। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ 1 और 2 ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी ये कहता है आपसे कि दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए का मतलब ये हुआ जो फर्स्ट स्टेटमेंट है सिर्फ वो स्टेटमेंट आपका क्या है, ये यहाँ पे करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। जान लेते हैं क्यों। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गलत स्टेटमेंट को। जो ये फ्लेवोनॉइड मॉलिक्यूल है ये कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज नहीं होता, बल्कि ये ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट के लिए और चिकनगुनिया जैसी बीमारी के लिए काफी हेल्पफुल है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। ये चीज, ये जो है, ये एक तरह से आप ये कह सकते हो, ये एक तरह से फर्स्ट सिंथेटिक रूट प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल है, आप इस तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, हाँ ये जो मॉलिक्यूल है ये प्लांट्स वगैरह में हमें पाया जाता है, और जैसा आपको बताया गया कि ये ट्यूबरक्लोसिस और चिकनगुनिया के ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी यूजफुल है। हमारी कंट्री में जो आयुर्वेदा सिस्टम है उसके अंदर भी इसका जिक्र है, और चाइनीज मेडिसिन के अंदर भी इसे जिक्र है, और इन दोनों ही मेडिसिन के अंदर इस मॉलिक्यूल को यूज किया जाता था स्किन प्रोटेक्शन के लिए, ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए, और ब्लड प्रेशर वगैरह जो कंट्रोल करने जैसी बीमारी से रिलेटेड जो भी बीमारी है उनको डील करने के लिए ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल यूज किया जाता था। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि स्टेटमेंट फर्स्ट ये है, यानी कि ऑप्शन ए तो आपका करेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट गलत होने की वजह ये है कि ये कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए नहीं, बल्कि ये चिकनगुनिया और ट्यूबरक्लोसिस के लिए यूजफुल है, उनकी ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द हरित पथ मोबाइल ऐप कंसीडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, यानी कि आपको हरित पथ नाम का जो ये मोबाइल ऐप है इसके बारे में आपको बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो ऐसा आपके लिए बोला जा रहा है ये इट हैज बीन डेवलप्ड बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे आप शॉर्ट में ये भी बोल सकते हो NHAI, यानी कि हमारी कंट्री में ये जो एजेंसी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये रोड वगैरह यानी कि नेशनल हाईवे को कंस्ट्रक्शन और उसके डेवलपमेंट से रिलेटेड काम करती, इसी इंस्टीट्यूशन ने इस ऐप को डेवलप किया है जिसका नाम है हरित पाथ। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट आपके लिए ये है, ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट था। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट एम टू मॉनिटर स्पीसीज डिटेल ओवर प्लांट अलोंग द नेशनल हाईवे, यानी कि आप ये बोल सकते हो सपोज ये नेशनल हाईवे है, कोई भी हाईवे आप मान लीजिए, तो हाईवे के दोनों साइड, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में, दोनों साइड में कि प्लांटेशन किया जाएगा। ठीक है, और जो ये प्लांटेशन जितने भी होंगे उन सबको एक नंबरिंग दी जाएगी और उसे मॉनिटर किया जाएगा कि कोई इसे काट कर ना लेके जाए। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जितने भी नेशनल हाईवे हमारी कंट्री के अंदर अब होंगे और हैं, तो उनके अंदर क्या होगा, उनकी जो साइड में प्लांटेशन होगी और प्लांट को मॉनिटर करने के लिए, अच्छे से देखभाल करने के लिए इसे मॉनिटरिंग होगी, और उस मॉनिटरिंग का जो काम है वो किया जाएगा हरित ऐप के द्वारा। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट है आपके पास। अब आपको ये बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है सही स्टेटमेंट को चूज करके। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑप्शन जो है आपके पास उसमें यह बोला जा रहा है कि ए यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, और बी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, और सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ ऑफ देम, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है चलिए बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है। सी का मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही स्टेटमेंट, यानी कि NHAI से रिलेटेड जो दोनों ही स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि ये जो हरित मोबाइल ऐप जो है हरित पाथ, इसको जो डेवलप करने का जो काम किया हुआ है, इसे काम किया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में हम बोल सकते हैं NHAI। और तो और ये जो काम किया जा रहा है, इस ऐप को जो डेवलप किया गया है, किसी भी जितने भी हमारी कंट्री के अंदर नेशनल हाईवे उनके साथ जितने भी स्पीसीज है या फिर आप प्लांट वगैरह उनको प्रॉपर मेंटेन करने के लिए, उसको मॉनिटर करने जैसे काम के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया है हमारी कंट्री के अंदर। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके लिए करेक्ट हो गया। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी है। अब आपको ये बताना है कि आपका स्कोर क्या है। स्कोर आपको कमेंट करके बताना है मुझे कि आपका स्कोर कितना बनता है, कितने क्वेश्चन के आंसर आप सही कर रहे हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पर और साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, वीडियो और किसी भी नोट्स के बारे में पूरी जानकारी। आज के लिए जो आपके लिए क्वेश्चन होने वाला है वो ये कि ये जो इंस्टीट्यूशन है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, ठीक है। और आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपके स्टेट में कौन सा नेशनल हाईवे है, ये आपको बताना है। यानी कि दो क्वेश्चन हो गए आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि NHAI यानी कि ये जो अथॉरिटी है किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। और सेकंड क्वेश्चन आपके लिए ये हो गया कि आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपके स्टेट में कौन कौन से नेशनल हाईवे हैं, ठीक है। तो दो क्वेश्चन है आपके लिए, आंसर जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ। वीडियो को लाइक करिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल।